तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए पेट्रोकेमिकल सेक्टर का एक स्टॉक लेकर के आ गए आपके सामने। बीसीएन सिमल स्टेट मार्केट कैप है 1256 करोड़ का। करंट प्राइस चल रहा है 73 रुपये, हाई लगा चुका है 119 का, लो है 56 रुपये का। स्टॉक पी है 10, स्टॉक पी की तरफ से बिल्कुल अंडर वैल्यू स्टॉक, सस्ते प्राइस मिल रहा है। बुक वैल्यू है 57 रुपये। कंपनी डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती है 3.42% की। ROCE 63%, ROE 47%। फेस वैल्यू 5 रुपये की है। प्रमोटर के पास 44% की होल्डिंग है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.1। एनुअल प्रॉफिट है 370 करोड़ का और डेप्ट है 11 करोड़ का। रिटर्न ऑन इक्विटी 47%। इंडस्ट्री पी है 8 और EPS है 7.06 रुपये का। फ्री कैश फ्लो 358 करोड़ है। तो कंपनी बिल्कुल डेट फ्री स्टॉक है। ये स्टॉक बिल्कुल डेट फ्री है, कर्ज नहीं है, प्लस परसेंटेज 0 है। ROE बहुत ही ज़बरदस्त है। प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। कंपनी आपको बहुत अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है, ये बहुत बड़ी बात है। और पॉजिटिव बात यह है कि स्टॉक पी 10 है और इंडस्ट्रीज पी भी 8 है। बहुत सस्ते प्राइस मिल रहा है, मतलब अंडर वैल्यू स्टॉक बोल सकते हैं। इस स्टॉक को अंडर वैल्यू है, सस्ते प्राइस मिल रही है। तो अगर हम लोग बात करें फ्रॉस की, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी इज प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड एल 3.42% का। कंपनी है डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 54.8% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ROE ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर 35%। कंपनी हैज़ बीन मेंटेन ए हेल्थी डिविडेंड पे आउट 19% का डिविडेंड कंपनी पे आउट करती है। अगर हम लोग बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की, तो दिसंबर 2022 में 1.06 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया कंपनी का। सितंबर में 17 करोड़ का आया है, जून में 51 करोड़ का आया है और मार्च वाले क्वार्टर में 102 करोड़ का आया है। तो हम देख रहे हैं कि लगातार जून सितंबर दिसंबर में इनकी प्रॉफिट घटी है। मार्च 23 के क्वार्टर का रिजल्ट देखो कैसा आता है। और तो ये बातें नोट आउट करने वाली होंगी, ठीक है। ये स्टॉक बिल्कुल अंडर वैल्यू, सस्ते प्राइस मिल रहा है। अगर क्वार्टरली नतीजे सही नहीं आएंगे तो अभी एंट्री पॉइंट नहीं बनता है, बट टेक्निकल को देखते हुए कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट की हम लोग बात करें, तो दिसंबर वाले क्वार्टर में 64 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ है और सितंबर में 11 करोड़ का, सितंबर और जून में 37 करोड़ का, मार्च में 71 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है कंपनी के पास। प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेसिस पे चेकआउट करें तो TTM में 171 करोड़ का मात्र ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। 2022 में 552 करोड़ का, 2021 में 290, 2020 में 64 करोड़ का। तो ईयरली वाइज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ला रही थी कंपनी, बस इस क्वार्टर इस साल TTM में ही थोड़ा सा प्रॉफिट कम आई है कंपनी का। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 121 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया कंपनी के पास। TTM में 2022 में 377, 2021 में 193, 2020 में 39 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी के पास। कंपनी डिविडेंड पे आउट 11%, 13%, 33% का। इस तरह से कंपनी पे आउट डिविडेंड पे आउट करती रहती है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें, 10 साल में 10%, 5 साल में 20%, 3 साल में 27% और TTM में -10% कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है कंपनी की। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, 10 साल में 24%, 5 साल में 55%, 3 साल में 90%, TTM में 69% कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें, 10 साल में 23%, 5 साल में 17%, 3 साल में 71% और 1 साल में 29% स्टॉक प्राइस CAGR। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, 10 साल में 25%, 5 साल में 29%, 3 साल में 35% और लास्ट ईयर 47% रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर बैलेंस शीट की हम लोग बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व देख सकते हो 905 करोड़ का, वहीं प्रॉफिट 12 करोड़ की है कंपनी के पास। कैश फ्लो 385 करोड़ है, नेट कैश फ्लो 446 करोड़ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मार्च 2023 में 44.87% की होल्डिंग है और FIs के पास 2.17% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास 52% की होल्डिंग है। दोस्तों स्टॉक का नाम बताने से पहले बता दें, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर के अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। आप स्टॉक का एंजल वन का दोनों का लिंक दिया गया, तो जाइए हमारे लिंक थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद। दोस्तों इस स्टॉक का नाम है मनाली पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। थोड़ी सी सोचने वाली बात, मतलब हर एक चीज़ पॉजिटिव, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, बहुत अच्छा फंडामेंटल है इस कंपनी का, बट क्वार्टरली नतीजे जो हैं थोड़े से फूगर आए हैं, ख़राब आए हैं। देखिए मार्च Q4 के नतीजे कैसे आते हैं, Q4
क्योंकि इनकी प्रॉफिट घटते हुए क्रम में आ रही है, पहले बढ़ रहा था लेकिन अभी घटते हुए क्रम में है दिसंबर तक। तो हम देख सकते हैं टेक्निकल इनका शेयर पैटर्न, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट कंपनी ने लाई और प्रॉफिट बना करके दी है 10 रुपये के प्राइस से। ये शुक 10 रुपये के प्राइस से उठा है, 1 जून 2020 में ये 10 रुपये के प्राइस ही मिला करता था, और इस प्राइस से आज हमें ये 1742% के रिटर्न बना करके दिया है। 1742% के रिटर्न कुछ मायने रखता है, ठीक है। और इतना रिटर्न बनाने के बाद करेक्शन आई स्टॉक के अंदर, और 1700% रिटर्न बनाने के बाद इस स्टॉक के अंदर करेक्शन भी आया जबरदस्त वाला, और ये स्टॉक 58% यानी 60% का करेक्शन दिखला चुका है। अभी करेंटली 73 रुपये के प्राइस पे है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है ये स्टॉक, इस स्टॉक को बहुत ज़्यादा अभी ऊपर भागना चाहिए, क्योंकि क्वार्टरली नतीजे अच्छे नहीं आ रहे हैं। 2-3 क्वार्टर से गिरावट आ रही है। मार्च वाला क्वार्टर का रिजल्ट अगर अच्छा आ गया तो समझ लो इस स्टॉक को रॉकेट बनने से कोई रोक नहीं सकता है, और अच्छा वाला रिटर्न बना करके दे सकता है। लेकिन अगर इस प्राइस में मिले 60 रुपये के, तो डेफिनेटली हम बाई करके चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जल्दबाजी करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि Q4 के रिजल्ट जब आ जाते हैं उस दौरान अगर बाई करते हैं डेफिनेटली अच्छा रहता है, क्योंकि अगर ख़राब नतीजे आए तो ये स्टॉक और नीचे आ सकता है। कहाँ आ सकता है ये स्टॉक, इस प्राइस में मिल सकता है हमें 40-47 के प्राइस में आने वाले टाइम में, तो ये बहुत ही अच्छी बाइंग प्राइस बन जाएगी अगर इस लेवल में मिल जाए तो। अगर अच्छा आता है स्टॉक तो कोई बात नहीं है, कहीं भी हम बाई करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस को स्टॉक फॉलो भी करती हैं, तो यहाँ से इस वाली लाइन से हो सकता है स्टॉक को रेजिस्टेंस फेस करे और नीचे आने की कोशिश करे। तो दोबारा अगर ये स्टॉक हमें यहाँ मिले और 60 रुपये के प्राइस में, तो हम बाई करके चल सकते हैं। इतना ये नहीं है कि स्टॉक का रिजल्ट आते ही अच्छा आया रिजल्ट तो रॉकेट बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बट स्लोली स्लोली होगा, रॉकेट तो बनेगा, आस्ते आस्ते पैसा बनाएगा अगर पॉजिटिव आता है तो, नहीं तो फिर एक रेंज में रहेगा स्टॉक। दोस्तों वैसे जब स्टॉक एक रेंज में रहे तभी बाई करके चलना चाहिए, और जब हमें नीचे के लेवल मिले तब बाई करना बहुत ही अच्छा बात है, ठीक है। तो अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए, जब भी स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट आता है फॉलो कीजिए इस स्टॉक को। जब रिजल्ट आते हैं अच्छा आता है तो कोई बात नहीं, अच्छा आएगा तो फिर हमें सपोर्ट के पास ये स्टॉक मिल जाएगा आने वाले टाइम में 60 रुपये के प्राइस में और 56 रुपये के प्राइस में, तो डेफिनेटली इस प्राइस में हम देख सकते हैं, अपने नज़रों में रख सकते हैं स्टॉक को। अगर ख़राब आता है स्टॉक, क्वार्टरली नतीजे अच्छे नहीं आते हैं, फिर से गिरते हुए क्रम में आते हैं, तो डेफिनेटली ये स्टॉक ना ये वाला लेवल भी दिखला सकता है, 40 रुपये 38 रुपये का प्राइस, और फिर 30 रुपये का भी ले रेंज दिखला सकता है आने वाले टाइम में। तो इस अगर ख़राब आता है इस टाइम का हम वेट करेंगे 40 रुपये 35 रुपये, या फिर इसके नीचे ब्रेकआउट करता है तो इस लेवल का भी हम वेट कर सकते हैं 22-23 रुपये। तो अगर इस लेवल मिलता है तो हमें क्या ही चाहिए, बहुत ही अच्छा बाइक प्राइस बन जाए मिल जाएगी, और यहाँ हम बाइक करके इजीली वेब में चल सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाई गया ना कि बाई और सेल करने के लिए, अगर आपको एंट्री करनी है तो आप अपने रिस्क पर एंट्री करके चल सकते हैं।